17 ईयर्स से मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि मैंने अपना राइट हैंड खोने के लिए आ गया था, लेग मेरा ब्रेक हुआ था, कोई खड़ा नहीं हुआ मेरे साथ उस टाइम। जब मेरे फैमिली मेंबर्स बोलते होते थे यार तू क्या कर रहा है, इतनी छोटी सी दुकान लगा के, ठेला लगा के तू वहाँ पे प्लेट धोता है। बहुत इंसान ऐसे मेरे को बोले कि यार ये तो ऑटो ड्राइवर वाला का बेटा है, क्यों इसको पढ़ा रहे हो, ये तो लास्ट में ऑटो ही चलाएगा। मेरा नाम है सुमित मूलचंदानी एंड मैं राउरकेला से हूँ एंड मेरी एज है 20 ईयर्स। तो मुझे बचपन से कुछ बहुत बड़ा करने की चाह थी, बहुत बड़ा। जब मैं 8th क्लास में था तब मेरी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी घर की, तो मेरी 1 साल की पढ़ाई मतलब ब्रेक हुई थी, मैंने 1 साल लीव किया था स्कूल को। 13 ईयर्स जब मेरी एज थी 13 ईयर्स, तब मैंने अपनी लाइफ में सोचा कि चलो मुझे कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि मैं मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड ना करूँ अपनी स्टडी को लेकर, क्योंकि मम्मी पापा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी एंड मम्मी पापा के ऊपर मैं ज़्यादा डिपेंड रह नहीं सकता था, करना था तो अपने दम पर करना था। जब मैंने फिर 13 ईयर्स की एज में मैंने अपना एक जॉब स्टार्ट की, छोटी सी जॉब में था, छोटी सैलरी थी, मैंने सब कुछ स्टार्ट किया धीरे धीरे। मैंने वही सैलरी से अपनी स्टडी को धीरे धीरे आगे किया अपना, मैंने अपनी 10 कंप्लीट की। 16 ईयर्स जब मेरी थी तब यानी मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी यूरेका फॉर्ब्स एंड मैंने वहाँ से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वहाँ के जो सर थे मेरे बहुत हेल्प की, मेरी स्टडी को लेकर मैंने बहुत हेल्प की सर, बट तब भी मेरे को यानी सुकून नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना था। मैंने एक चीज़ लाइफ में सीखी कि मनी इज़ इम्पोर्टेंट, जॉब इम्पोर्टेंट या वर्क इम्पोर्टेंट नहीं होता, मनी इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में जो है ना आज सब पैसों से चलता है। 17 ईयर्स से मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि मैंने अपना राइट हैंड खोने के लिए आ गया था, लेग मेरा ब्रेक हुआ था। उस टाइम मेरे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, मम्मी पापा के पास उतना नहीं था कि मेरे को यानी ठीक कर सके एंड मेरे जितने भी था पैसा मैंने अपने पे खर्च किया। फिर मैंने देखा ना लाइफ में कि कोई खड़ा नहीं हुआ मेरे साथ उस टाइम, तब मैंने अपने माइंड में एक चीज़ सोची, किसी के भरोसे में रहोगे, किसी को अपना बैकअप बनाओगे ना, वो कुछ नहीं करेगा, तुम्हें बर्बाद कर सकता है, रुकना नहीं है, जो डर लगे कुछ भी करे, किसी को भी डिपेंड नहीं रहना। फिर मैंने 18 ईयर से जब कम बैक किया अपनी लाइफ में, यूरेका में स्ट्रगल किया, तब मेरे को अच्छी सैलरी मिलने लगी, अच्छा पैसा मिलने लगा। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है, बहुत इंसान ऐसे मेरे को बोले कि यार ये तो ऑटो ड्राइवर वाले का बेटा है, क्यों इसको पढ़ा रहे हो, ये तो लास्ट में ऑटो ही चलाएगा। पापा मम्मी का ये नहीं है कि भाई मेरा बेटा भी ऑटो ही चलाए, उनका काम रहता है कि भाई मुझे आगे बढ़ाना है अपने बच्चे को, इसलिए पढ़ाते हैं। जो पापा मम्मी खुद नहीं खा के मुझे खिलाते थे, आज मैं उससे भी अच्छी चीज़ पापा मम्मी को खिलाना चाहता हूँ। फिर मेरे माइंड में धीरे धीरे आया कि एक से कुछ नहीं होगा, अपने को बिजनेस करना है। फिर मैंने 19 ईयर्स की एज में अपने पापड़ का बिजनेस को लाया, धीरे धीरे मार्केट में मैंने अपना बिजनेस को ग्रोथ करने की कोशिश की। 18 ईयर्स में मेरे यूरेका सेट हुआ, 19 ईयर्स में बिजनेस सेट हुआ, मुझे अपने और भी बिजनेस ग्रोथ करने के लिए और भी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने अपनी शॉप यानी चालू की पास्ता मैगी, बहुत इंसान मेरे को, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेंबर्स बोलते होते थे यार तू क्या कर रहा है, इतनी छोटी सी दुकान लगा के, ठेला लगा के तू वहाँ पे पास्ता मैगी बेचता है, तू वहाँ पे प्लेट धोता है, तू चम्मच का तू खुद करता है। बट मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, असल में रियल मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्यों पता है, क्योंकि ना अगर आज मुझे वो वर्ड्स नहीं बोलते ना तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता कि, और मैं इसे आगे भी बढ़ने की मैं अपने मन में सोचता नहीं ये चीज़, क्योंकि ना अगर वो लोग मुझे एक टाइप के ना मेरे वो हेटर्स हैं जो मुझे लाइक नहीं करते, बट मैं उन्हें लाइक करता हूँ, उनको लाइक नहीं करता, उनके वर्ड्स को लाइक करता हूँ, क्योंकि वो जो मुझे वर्ड्स बोलते हैं ना उसे मैं इंस्पायर होता हूँ कि वो नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ। अप्रैल मंथ में मैंने अपना स्टार्टअप किया इस छोटे से स्टॉल के साथ, मैं एक स्टार्टअप देना चाहता था कि कैसा मुझे रिव्यू मिल रहा है, कैसे मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ से। तो मुझे पहले तो रिस्पॉन्स बहुत बेटर मिला, भाई मेरे बहन मेरी जितने भी थे सारों को, मतलब एक नया टेस्ट मिला मैगी, असल में मैगी है क्या, पास्ता है क्या, एक वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, ऑल ओवर, मतलब ये चीज़ें कैसी हो जाती है ना, बहुत रेयर हो जाती है, कहीं कहीं मिलती है कहीं कहीं नहीं मिलती है। तो मैंने अपने टेस्ट को बेटर बनाया एंड मैंने अपने सारे कस्टमर्स को एक बार टेस्ट कराया कि कैसे लग रहा है, रिव्यू मैंने लिया, मुझे रिस्पॉन्स बहुत बेटर मिला। सो गाइज़ अभी वाइट सॉस पास्ता आ गया है, अभी हमारी बहन रिव्यू करेगी सुसरी के साथ। 40 रुपये के ये प्लेट्स हैं और दिखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहे हैं, अभी ये दोनों महारानी बताएंगी कि सच में डिलीशियस है कि नहीं। 40 रुपीज़ में वाइट सॉस पास्ता और क्वांटिटी भी कुछ कम नहीं है, और यही अगर हम लोग कोई रेस्टोरेंट में खाने जाए ना, यही सेम पास्ता तुमको मिलेगा, एवरेज प्राइस पकड़ते हैं 160 रुपीज़ में।
सुश्री का फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि अच्छे से पास्ता अच्छे से बॉईल हुआ है। और एक बात पता है, मैंने और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है कि भैया ना व्हाइट सॉस पास्ता में सारे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज, अभी जो हमें मिला है ये है गली स्पेशल मैगी। पहली बात तो फिर से बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है ये मैगी का, 45 रुपीज़। और जब वो बना रहे थे, जब हम लोग देख रहे थे, तो इसकी एक स्पेशलिटी मैंने जो नोटिस की है ना, उन्होंने तरह तरह के मेयोनीज इसमें यूज़ किए हैं, तरह तरह के। इवन उन्होंने वेजिटेबल्स भी यूज़ किए हैं, उसके बाद ये स्वीट कॉर्न यूज़ किया है, ऊपर में थोड़ा प्याज डाला है, थोड़ा सिजवन डाला है, तो इसको ना बहुत मज़ेदार बना रही है। और उनका जो स्पेशल है, जैसे कि तंदूरी मेयोनीज, गार्लिक मेयोनीज, वेज मेयोनीज, उन्होंने क्या नहीं डाला है, तो अभी टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा लगता है। तो ये दो लड़कियाँ टूट पड़ी हैं इस मैगी में, बहुत ऑसम है एक्चुअली, टेस्ट सही है, नमक मिर्ची सब सही पड़ा है, एक नंबर। मैगी एंड पास्ता यहाँ पे आके जरूर ट्राई करना है, वो व्हाइट सॉस पास्ता एंड दिस गली स्पेशल मैगी। सबको ही आओ यहाँ बसंती कॉलोनी ओवर ब्रिज के पास में, जस्ट एंट्रेंस में थोड़ा सा आगे आ जाना, यहाँ पे उनका स्टॉल दिख जाएगा, गली मैगी एंड पास्ता, और यहाँ पे आके ट्राई तो जरूर करना है। आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आज मेरे कस्टमर्स मेरे से बहुत खुश है, एंड मैं उन्हें एक अच्छा टेस्ट दे रहा हूँ, बेस्ट हाइजीन फूड दे रहा हूँ उनको, कि भाई उनकी भी हेल्थ ख़राब ना हो और मैं अपना प्रोडक्ट भी अच्छा करूँ। इसी के थ्रू मैंने धीरे धीरे अभी स्टार्टअप किया, एंड आने वाले कुछ यानी 6-7 मंथ्स के अंदर मैं अपना कैफ़े भी स्टार्ट करना चाहता हूँ। बट मेरे अपने माइंड में सेट कर गया, गरीब हूँ ना, निकलना है तो अमीर में निकलना है। हर एक छोटी छोटी गली में इतना टेस्ट होता है जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं होता है, इसलिए मैं जान बुझ के गली मैगी पास्ता में रखा हूँ, क्योंकि ये मेरी गली से मैं निकला हूँ और ये टेस्ट को मैं ऑल ओवर ओडिशा या फिर ऑल ओवर इंडिया में मेरे से हो पाए, जितना मेरे से हो पाए मैं टेस्ट को आगे देना चाहता हूँ। अगर आपके इरादे नेक और हौसले बुलंद हो, तो आपको अपने सपने पूरे करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी।